अलवर के गांव खेड़ा तगावा में गांव की सड़क की हालत बहुत ही गंभीर है। आइए गांव वालों से जानते हैं इस स्वच्छता मिशन के अभियान पर गांव वालों का क्या कहना है। गांव की हालत खराब है। मैं अलवर से यह ग्राम खेड़ा जो कोट कासिम तहसील के अंदर आता है और विधानसभा किशनगढ़ बास, और हम गांव वालों से बातचीत करते हैं। मैं भी यहां से गुजरता हूं। ये रोड का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, क्या कारण है? हम गांव वालों से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, ये जो आपके गांव में गंदगी और कीचड़ है, और हम दिखा भी रहे हैं कि यहां निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, क्या कारण रहा है? ये कारण रहा है कि बाहर के कुछ राजनीतिक लोगों ने भी कुछ ध्यान कम दिया है, और यहाँ जब जब एप्लीकेशन किया है या मैसेज भेजा है उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और यहाँ बार बार आदमी गिरते हैं, बच्चों को लेके गिरते हैं, सब बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं, स्कूल जाने की समस्याएं हैं, लेडीज गिर जाएँ, और गाड़ियाँ बार बार पलटी हो रही है। आप देख रहे हो इसका, अभी तो थोड़ा मट्टी डाला है, नहीं तो यहाँ इतना इतना पानी था, एक एक दो दो फुट पानी भरा हुआ था, और यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। सरपंच या MLA विधायक उनसे बातचीत नहीं किया? नहीं, उनसे मैं बाहर था, लेकिन उनसे जो आते हैं वो क्या गाड़ियाँ लेके नहीं आते हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या इस बात का? उनकी गाड़ियाँ नहीं निकलती है क्या इलेक्शन के टाइम में? कहीं नहीं सुनाई, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते। मतलब कहिए खूब पैसा करवाऊंगा करवाऊंगा, कहीं सुनाई नहीं। ये तो गाँव का मैं खूब कह दी साहब, सरपंच से मीटिंग लेना कि मिले ना यार। आप जो चुनाव आने वाला है तो अपने सरपंच का, तो उसके बारे में भी तो आप वो कोई कही सुनी तो जाएगी, हम कोई नया होगा उससे कहांगा। हाँ, अभी उससे तो 5 साल का पुराना तो गायब रहे थे। क्या समस्या रही है गांव? रास्ते में डेली जो है ना एक दो बार के आदमी आते जाते हैं, उनको पता नहीं कितने गड्ढे हो रहे थे, फिर भी थोड़ा मिट्टी डाल दिया, लेकिन 2-3 आदमी एक जो डेली हो ही गिर ही जाते हैं, बाहर के आदमी को पता नहीं इतना खड्डे में 2-3 बार तो लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है वो गाँव को बिल्कुल भी दयनीय है। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम लोग गिर चुके हैं और उनके सर में चोटें भी आई हैं, हॉस्पिटल रवाना किए गए थे, और मैं ये कह रहा हूँ इसलिए एक रास्ता नहीं, इस गांव के सारे रास्ते ख़राब हैं। जहाँ भी आप घूमोगे जाके और जितने भी एरिया देखोगे इस गांव के चारों तरफ, सारे के सारे रास्ते ख़राब हैं। लोग अगर एम्बुलेंस सही है, किसी को डिलीवरी का केस है तो जाके तिगाँव में खड़ी होती है, वहाँ से बंदे आते लेने के लिए, और ऐसी ऐसी कंडीशन है कि एक महिला वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा उसको ऐसी सिचुएशन में, और हो सकता है कभी ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए जिसका हर्जाना पूरा गाँव को करना पड़े। तो मेरी तो यही अपील है जितने भी कार्यकर्ता हैं कि इस गांव को थोड़ा देखें आके और इसमें जितना तरक्की कर पाएँ वो ज़रूर कराएं। सर आपका सदस्य यहाँ बहुत ही दयनीय है सर, यहाँ डेली गाड़ी लेकर के आते हैं, तो एक दो बार तो हमें खुद ही फिसल कर गिर गए। कल परसों भी एक दो लेडीज गई थी यहाँ से, मेरे से आगे वे भी गिर गई थी, उनको उठाया। और तो क्या है, डिलीवरी के लिए अगर किसी 108 नंबर फ़ोन करते हैं तो सीधा ये कहते हैं कि वहाँ पर रास्ता जाने का नहीं है, तो नहीं कर करके भारी गाड़ी करते आ नहीं सकता, कुछ वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा।